गुड इवनिंग गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट सबका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियाज लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म इज अस एग्जाम प्रेप के ऊपर चलो डियर स्टूडेंट्स जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लो टुडे आज हम देखेंगे डियर स्टूडेंट प्रीलिम्स पेपर वन नॉन टेक के बारे में मटेरियल साइंस ओके मटेरियल साइंस की रिविजन करेंगे थ्रू दी प्रैक्टिस क्वेश्चन डेफिनेटली सो कमऑन डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन दिस से सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं मैं yes, नीरज कुमार, welcome, welcome, good evening. और जो भी बच्चे गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो भाई गेट के लिए भी आके आप यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सो मटेरियल साइंस है पेपर वन के लिए बेसिकली यहां पे याद रखना वहां पे पेपर टू लिखा गया था राइट right? नीरज चलो बताओ जल्दी से मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस प्रॉपरली सब कुछ सही सूरज दांडेकर दाडेकर वेलकम 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 अभिजीत तिवारी वेलकम गुड इवनिंग गुड इवनिंग नीरज फैंटास्टिक मोनालिसा गुड इवनिंग वेरी गुड वेरी कॉमन कॉमन ज्वाइन देशन वेरी फास्ट अभिजीत थैंक यू सो मच डियर थैंक यू सो मच एंड प्लीज दिस इज दर वन सो दिसमन सब्जेक्ट डीयर स्टूडेंट्स टू ऑलेंट्स सो डेफिनेटली यू हैव टू ब्रिंग यूर फ्रेंड्स हिस्सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन दिस सेशन सो इट इज अ वेरी कॉमन ऑफकोर्स मटेरियल साइंस वन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट डर स्टूडेंट्स राइट सो इसका करेंगे आज हम प्रैक्टिस थ्रू द क्वेश्चन विदिन मैक्सिमम वन आवर और मैक्म सिक्सटी सेवेंटी मिनट्स डेफिनेटली बिकॉज उसके बाद ये स्टूडेंट्स याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग सेशन के बारे में आ, अपने नेगी सर के सेशन के बारे में ओके सो दिस इज अबउट मी आई ओंकार हैविंग मोर देन टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग गेट एंड ई एस सी टिल नाउ आई है मोर देन टेन थाउजेंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स Well. So, भैया जो भी लोग यहाँ पे है प्लीज लाइक द सेशन शेयर द सेशन और जो भी नए लोग है नए पुराने सभी को एक रिक्वेस्ट है कि भैया आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली ये आपको करना है क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे सेशन होते हैं कि जो आपको नहीं पता होता या आप कहीं मिस कर जाते हो तो डेफिनेटली टाइम टू टाइम आपको ये नोटिफिकेशन आती रहेगी प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल बाइजूस एग्जाम प्रेप राइट एंड यहां पे देखो हर एक चीज आपको कंटेंट मिलेगा आपको क्वालिटी मिलेगी आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा ओके फॉर बोथ द गेट एंड ई दोनों के लिए भी भैया सिस्टमेटिक वन फुल स्टॉप सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल ओके okay, और ये इम्पोर्टेंट है भैया कि जो भी अभी बारह और तेरह फरवरी को जो भी बच्चे अपनी गेट 2022 एग्जाम लिखेंगे तो भैया उनके लिए भी प्लीज ये चीज लाइव एग्जाम एनालिसिस होने वाली है साढ़े बारह बजे और शाम छः बजे ओके बेस्ट अपोन योर शीट प्लीज डू ज्वाइन दिस एग्जाम एनालिसिस ओके ऑन ट्वेल्थ एंड थर्टींथ ऑफ फेब्रुवरी ओके okay, और जैसा कि मैंने कहा प्लीज सब्सक्राइब okay, okay, और चैनल डियर स्टूडेंट्स ओके द बेस्ट प्लेस फॉर द गेट एंड यसरेंट्स ओके और बिल्कुल नए अंदाज में हम आपके सामने आगे जो भी मैंने बातें की प्लीज याद रखिएगा दिस इज द फुल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशंस ओके फॉर गेट एंड यस और ये रहा ये सेशन डियर स्टूडेंट जिसके बारे में बात कर रहा था सवा ग्यारह बजे आज ही ओके okay, अपने अभिनव नेगी सर आएंगे लाइव ओके okay, सो so, आज का जो टॉपिक रहेगा आपको जेनरिक सेशन है भैया कि लास्ट फाइव डेज में अगर आप नर्वसनेस या कोई एनजाइटी या फिर थोड़ा बहुत टेंशन फील करो तो डेफिनेटली सो आज इसके बारे में आपको गाइड करेंगे आ, नेगी सर ओके याद रखना सवा ग्यारह बजे राइट अभी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ओके सो डियर स्टूडेंट चलो अस स्टार्ट द सेशन अस स्टार्ट द सेशन चलो पहला क्वेश्चन ये रहा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने राइट मिलर इंडाइसिस आपको बताने मिलर इंडाइसिस भैया आपको बताना है राइट मिलर इंडाइसिस के बारे में बात करनी है यहां पे और प्लेन दैट मेक्स द इंटरसेप्ट फोर एक्स्ट्रॉन यूनिट थ्री एक्स्ट्रोन यूनिट एट एक्स्ट्रोन यूनिट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक प्लेन लैटिस विद द रेशियो ऑफ द एक्जियल एज ए एज टू बी एज टू सी

That is, two as two, three as two, one, अगर मैं एक पैरामीटर एक्स मानता हूं ओके दैट इज टू एक्स एस टू थ्री एक्स एस टू एक्स राइट दैट इज हियर दो एक्स तीन एक्स और यहां पे आएगा एक्स अब क्या करना है भैया ये जो एक्सिस के ऊपर ये इसका इंटरसेप्ट है ओके okay, सो so सबसे पहले तो आपको रे, रेशो निकालना पड़ेगा ओके दैट इज टेक द रेशो चलो भैया रेशो निकालो कितना है एक्स एक्सिस के ऊपर फोर एक्स्ट्रॉन यूनिट और उसका जो एक्चुअल वैल्यू कितना है टू एक्स वाई के ऊपर कितना है थ्री एंस्ट्रॉन यूनिट डिवाइडेड बाय थ्री एक्स एंड जेड के ऊपर कितना है भाई देखो एट एक्सट्रॉन यूनिट और कितना है एक्स ओके राइट So, ये रेशो पहले ले लो कितने आए देखो रेशो दैट इज एंगस्ट्रॉन में यूनिट बाहर निकाल दू तो भी चलेगा मैं एक पूरा बाहर निकाल कर तो चलो भैया जल्दी से बता दो एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइड क्या मैं आपको ऑडिबल विजिबल हूं के नहीं भैया जल्दी से बता दो हेलो इज दिस फाइन अरे भैया मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूं कि नहीं यस यस प्लीज हैव सम चैट चैट बॉक्स बॉक्स में मूवमेंट कर दो तो थोड़ी सी कुछ इश्यू है क्या ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था शायद बीच में ओके फाइन फाइन सो चलो जल्दी से यहाँ पे बता दो भैया कितने आए रेसिपी यहाँ पे फिर आपको क्या रेशो आया फोर बाय टू एक्स इसका क्या करना है रेशो निकाल या फिर पहले इसका रेसिप्रोकल लिया तो भी आपको चलेगा ओके okay, नीरज आई होप आई ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली टू यू गाइज चलो इसका रेसिप्रोकल ले लो थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं चलो हम्म क्या आएगा भैया दैट इज टू एक्स बाय फोर एंगस्ट्रा यूनिट बाहर निकाल दो कोई बात नहीं अरे भैया आपको सॉल्व करके बताने मुझे ये आएगा वन और ये आएगा वन बाई एट ओके दैट इज ये क्या आएगा भैया इंटरसेप्ट आपको मिल गया ये इंटरसेप्ट मिल गए रेशो मतलब आपको इस एक्सिस पे इंटरसेप्ट मिल गए उसके बाद इंटरसेप्ट का क्या लेना है रेसिप्रोकल लेना है यही तो हम करते हैं एच के एल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने मिलर रिस में सो so, ये क्या हो गया वन अपॉन टू वन एंड वन अपॉन एट लेकिन आपको पता है कि भैया फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए मिलर इंडासेस तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अगर मैंने एट से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आएगा एट बाई टू यहाँ पे आएगा वन पे, पे और यहाँ पे आएगा एट और यहाँ पे आएगा एट अपॉन एट मतलब फाइनल तुम्हारा जो एच के वैल्यूज जो है मिलर इंडेसेस के मिलेगी एट बाई टू इज इक्वल टू फोर बाद में मिलेगा एट और बाद में मिलेगा एट बाई एट वन फोर एट वन फोर एट वन ये आपको मिले मिलर इंडाइसिस भैया इस ऑर्थोरम्बिक क्रिस्टल के लिए जिसके लैटिस क्या क्या थे ओके okay. इंटरसेप्ट जो थे फोर एक्स्ट्रॉन थ्री एंस्ट्रॉन एंड एट एंक्स्ट्रॉन यूनिट्स ओके वेरी गुड राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके बताओ चलो ये सॉल्व कर दो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो भाई ये सॉल्व दिस सॉल्व दिस क्वेश्चन डिटरमाइन द मिलर इंडस्ट्रेस ऑफ द प्लेन दैट मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ टू एक्स्ट्रॉन यूनिट थ्री एक्स्ट्रॉन यूनिट फोर यूनिट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल विद द एबीसी ये हो गया अपना ये शायद ये चलो चलो ये आप कर दो जल्दी से कर दो आपके लिए है चलो चलो बताओ भैया हम्म कितना आ रहा है कितना आ रहा है कितना आ रहा है वन टू वन चलो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है प्रैक्टिस के लिए हाँ, चलो भैया एक्स वाई जेड के ऊपर एक्स वाई जेड के ऊपर देखो टू एक्स्ट्रॉन यूनिट थ्री एक्स्ट्रॉन यूनिट फोर एक्सट्रॉन यूनिट यहाँ पे बाहर निकल लिखता हूं मैं ओके एंड ए एस टू बी एस टू सी कितना है फोर थ्री टू एक्स टू एक्स ओके सो 4, 3, 2, रेशो ले लो रेशो रेशियो इज गोइंग टू बी टू बाई फोर वन एंड टू क्या आएगा वन बाय टू वन टू वन बाय टू वन टू रेसी ले लो रेसिप्रोकल ले लो क्या आएगा टू वन हाफ ओके और फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो तो क्या कर दो मल्टीप्लाई बाय टू कर दो सो so, आएगा क्या ओके दैट इज फोर टू वन यस फोर टू वन एचकेल की वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी मिलर इंडेस की ये है तुम्हारी वैल्यूज फोर टू वन फोर टू वन वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड अंकित मोनालिसा ओके आ गए फोर टू वन फोर टू वन बहुत सिंपल बहुत सिंपल चलो ये फाइनल एक और एक करके दिखाओ मुझे अब यहां पे देखो ये टेट्रागोनलिटी यहां पे दिखाई दे रही है आपको दैट इज ए एस टू बी एस टू सी यहां पे ए

जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा इसके आपको ऑन दिस थ्री एक्स्ट्रॉन यूनिट फोर एक्स्ट्रॉन यूनिट थ्री एंस्ट्रॉन यूनिट फोर एंस्ट्रॉन यूनिट एंड कितना दिया है वन सेगेंड थ्री एंस्ट्रॉन यूनिट चलो भैया बता दो ओके okay? और तुम्हारा है ये

ओके यस नाउ विल मल्टीप्लाई विथ वॉट चलो भैया सो चार से मल्टीप्लाई कर दो कितने से करो चार से या बारह से चार से या बारह से यस ट्वेल्व डेफिनेटली सो ट्वेल्व बाई थ्री फोर देन इट इज ट्वेल्व बाई फोर इट इज थ्री सही से आ रहा है कि ने चेक करो और बारह भाग्या दो छ चार तीन छ फोर थ्री सिक्स यस यस बहुत बढ़िया बारह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके आपका ये जो फ्रैक्शन है इंटीजर में इंटीजर में आएगा जो कि रूल है भैया मिलर इंडाइसिस हमेशा क्या चाहिए इंटीजर चाहिए फ्रैक्शन नहीं चलेगा ओके सो आई होप भैया देखो बार बार क्वेश्चन आता है ऐसे क्वेश्चन हमको एक्सपेक्टेड है ऐसे क्वेश्चन हमको एक्सपेक्टेड है फोर वेरी गुड वेरी गुड सही आंसर मोनालिसा नरेश चंदन चंदन अंकित वेरी गुड वेरी गुड ओके आई होप मिलर इंडाइसिस तो पता चल गया आपको क्या निकालना है सबसे पहले तो प्लेन ढूंढना है ओके प्लेन के भैया आपको बाद में क्या निकालने इंटरसेप्ट निकालने हैं उन इंटरसेप्ट का क्या करना है आपको रेसिप्रोकल लेना है और फाइनली ये, ये याद में रखना है कि भैया जो भी एच केएल की वैल्यू हमेशा क्या चाहिए इंटीजर चाहिए ये था आपके मिलर इंडाइसेस के बारे में ओके चलो ये क्वेश्चन का आंसर दे दो क्रिस्टलोग्राफी में चलो एटोमिक पैकिंग फैक्टर इनकेस ऑफ द कॉपर ओके ओके बेसिकली देखो ई ए सी के लिए बहुत बार ऐसे पूछते चीजें बिलर इंडाइसिस की वगैरह अगर गेट में भी पूछ पूछने के लिए कोई मतलब उनके हाथ नहीं बंधे देखे एन आस्क यू ओके मिलर इंडाइसिस देखे नास्क यू क्रिस्टोलोग्राफी में तो है ही ना ओके okay, अभिषेक चलो भैया बता दो ये तो आपको पता है कॉपर की बात हो गई जितने भी आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक है कॉपर फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर है हाँ है ना और आपको पता है इसका जो पैकिंग फैक्टर है कितना है का पैकिंग फैक्टर ले लो या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक का ले लो दोनों का दोनों का सेम ही है ना सेवेंटी फोर पॉइंट सेवन फोर तो फिर ए क्यू बोल रहे भाई ए क्यू बोल रहे आप 63% किसका है बताओ 63% किसका है अभिषेक बीसीसी का भी ले तो 68% परसेंट आएगा सिंपल क्यूबिक का 52% आएगा एचसीपी का और एफसीसी का दोनों को क्या है 74% बी बॉम्बे आएगा कि नहीं अरे भैया जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कितना आएगा ए बी सी डी में से एक क्यों बोल रहे हैं लोग भाई ए तो किसी का भी नहीं है वही तो भी बोल रहा हूं भाई एक दो लोगों ने अभिषेक भी बोल रहा है ए निकिता भी बोल रही है ए भैया कैसे आएगा ये यस बी बॉम्बे बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर सेवेंटी फोर ओके एफ सीसी एफ सीसी स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया अपना अलुमिनियम कॉपर गोल्ड सिल्वर निकेल ये सब जो एलिमेंट है ओके मोर डक्टाइल इलिमेंट है कि भैया जो फेस सेंटर क्यूबिक में है ओके okay, जिसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना है सेवेंटी फोर परसेंट पॉइंट सेवन फोर ओके बचा हुआ क्या है, है. Okay, 26 आर सकते हुआ कि इसमें क्या है ओके वेरी गुड बी बॉम्बे सही सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल बी बॉम्बे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ डक्टाइल मटेरियल द टफनेस वेरी सिंपल क्वेश्चन चलो बताओ बेसिक चीज है खाली देखो मटेरियल साइंस पेपर वन की बात करें तो ऑफकोर्स हमको बहुत बेसिक्स ओके मटेरियल साइंस का बेसिक्स ओके राइट कि जिसमें ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट टफनेस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय ऑफ इज मतलब जो भी एनर्जी बॉडी ने गेन की अप्स, है किए है अप टू इट्स फ्रैक्चर ओके अप टू इट्स फ्रैक्चर पॉइंट ओके राइट सो बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर डक्टाइल मटेरियल द टफनेस इज द मेजर ऑफ जो भी बॉडी ओके एनर्जी को एब्सॉर्व करती है अप टू इट्स फेल्यूअर ओके सपोज ब्यूटीफुल कर हम अगर माइ स्टील की बात करें तो आपको समझ में आएगा अच्छे से सो so, यहाँ तक सपोज यहाँ पे फेल्यूर है ओके okay? यहाँ से क्या है भैया यहाँ पे यील्ड है यील्ड पॉइंट के बाद जो है डिफॉर्मेशन हुआ मटेरियल के अंदर ओके ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की अगर बात करूँ राइट सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया भाई एम जो आपको पता है कप एंड कोन में क्या होता है फ्रैक्चर हो जाता है राइट right? सो अप टू दिस या फिर फ्रैक्चर तक की जो भी यहाँ पे अंडर दिस स्ट्रेस टेनकर आपको जो एनर्जी दिखाई दे रही है ओके okay, मटेरियल ने एबसॉर्व की है वो है आपका टफनेस वो है आपका टफनेस या फिर जिसको मॉड्यूलर ऑफ टफनेस भी कह सकते हो क्योंकि यहां पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप दिखा सकते हो ओके okay, क्योंकि ये स्ट्रेस टेनकर अगर ये लोड एक्सटेंशन होता तो डायरेक्टली आप इसको एनर्जी जूल्स में बता सकते थे अरे हा या ना ये भी याद रखना ओके okay, सो so, मतलब ये एबिलिटी टू एब्सॉर्ब द एनर्जी अप टू कहाँ तक फेलियर तक फ्रैक्चर तक ये है आपकी टफनेस मटेरियल की टफनेस ओके सो बी बी भैया बॉम्बे बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब बी बॉम्बे बिल्कुल सही वेरी गुड वेरी गुड अंकित नरेश नि, आ, नितिका मोनालिसा नितिका यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑंड डर स्टूडेंट शेयर द सेशन प्लीज राइट स्टेटमेंट वन हाई स्ट्रेंथ सुपर ड्यूरालियन अलॉय आर एडोप्टेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एरो इंजिन स्टेटमेंट टू से प्रेसिपिटेशन हिट ट्रीटमेंट इज एडॉप्टेड फॉर द ड्यूराल प्रोडक्ट चलो भैया इसका आंसर बता दो वेरी फास्ट रीजनिंग वाला क्वेश्चन है बताओ यहाँ पे ए बी सी डी में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है इन दो स्टेटमेंट्स के लिए ओके नो डाउट डियर स्टूडेंट्स अलुमिनियम के अगर हम प्रोडक्ट्स देखें एल्यूमिनियम एलॉयस के हम पार्ट्स प्रोडक्ट्स देखें तो डेफिनेटली इट इज एडॉप्टेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एरोस्पेस इंजिन राइट सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब भी हम एरोस्पेस इंजिन की बात करते हैं या इवन इन जनरल आप अल्यूमिनियम एलॉयज एक, एक के बात करते हो तब एक चीज बहुत ही सामने निखर के आती है कि उसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशो ओके मतलब मिनिमम वेट के लिए भैया ये जो अल्यूमिनियम है आपको अच्छी स्ट्रेंथ या उसके अलूमिनियम के अलॉयज है अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं मतलब स्ट्रेंथ टू वेट रेशो क्या है इसका बहुत हाई है और डेफिनेटली अगर एरोस्पेस के बारे में बात करें तो हमको वेट तो क्या करना है कमी तो करना है राइट right. सो so, ये बेसिक रीजन है ओके okay, अगर मैं स्टेटमेंट टू की बात करूँ नो डाउट डियर स्टूडेंट्स जो कि नॉन फेरस मटेरियल में जनरली ओके okay, ये जो अल्यूमिनियम या फिर कॉपर एलॉयज एलुमिनियम कॉपर के एलॉयज है ये ही ट्रीटेड होते हैं प्रेसिपिटेशन ही ट्रीटमेंट से जिसे हम एज हार्डनिंग भी बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं एज हार्डनिंग भी बोलते हैं सो so, बेसिकली ये रिलेटेड टू द हीट ट्रीटमेंट है नो no डाउट ये स्टेटमेंट सही है लेकिन प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन जो है स्टेटमेंट वन के लिए नहीं है सो so, बताओ यहाँ पे आंसर में क्या लिखोगे वॉट राइट फॉर द आंसर इसका सही जवाब क्या दोगे बताओ जल्दी से वॉट यू विल राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नो डाउट ऑप्शन दोनों भी जो स्टेटमेंट से सही है लेकिन लेकिन जो बी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये पूरा मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है दिस इज रिलेटेड टू द हीट ट्रीटमेंट जैसे कि आप एम एस में मटेरियल को हीट करो होल्ड करो और बाद में उसको क्वेंच कर दो या फिर ठंडा कर दो तो प्रॉपर्टीज में चेंज होती है यही सेम चीज एग्जैक्ट सेम चीज अलूमिनियम एलोइज के लिए अप्लाई नहीं होती और उसके लिए तो एल्फ्रेंड वेल्म ने उसके लिए जो नया ढूंढ के निकाला था प्रोसीजर फॉर द गेटिंग द स्ट्रेंथ ऑन टू दिस प्रोडक्ट्स की जो है अपना एज हार्डनिंग और जिसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग ओके सो भैया बी बॉम्बे इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है बी बॉम्बे ओके बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट ओके स्टेटमेंट जो टू है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन यस बी बॉम्बे बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो इसका आंसर ओके सो आपको पता है भैया जब भी आप मटेरियल के अंदर स्टैटिक या फिर डायनामिक लोडिंग अप्लाई करते हो तो उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाता है ओके okay. और जैसे कि पता है आपको साइक्लिक लोडिंग में या फिर रिवर्सिबल साइक्लिक लोडिंग में जब भी कभी टोटल अक्यूमिलेटेड स्ट्रेन एनर्जी एक्सीड कर जाती है ओके अबो द टफनेस वैल्यू ऑफ दैट मटेरियल तब क्या होता है आपको पता है कि भैया मटेरियल फेल हो जाता है जिसे बोलते हैं हम फटिक फेल्यूर जिसे बोलते हैं फटिक पेन्य बहुत सारे उसके ऊपर फैक्टर अफेक्ट करते हैं जैसे कि लोडिंग कंडीशन हो आपके करोजन हो टेम्परेचर हो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो ये सब चीजें और उसको अगर आपको मटेरियल की फटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी है तो डेफिनेटली ये दोनों जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे वो सही है जो इंक्रीज करते रेजिस्टेंस फटिक रेजिस्टेंस ओके दैट इज शॉर्ट फिनिंग एंड द पॉलिशिंग ऑन द सर्फेस यस सो ये दोनों भैया सही है ये दोनों स्टेटमेंट या दोनों ऑप्शन ये सही है फॉर इंक्रीजिंग द ई so, बिल्कुल सही जवाब सी चेन्नाई बिल्कुल सही जवाब सारे जनों ने दिया है करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर ओके चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे कि मैंने बोला था भैया जब भी कोई सेशन अगर मिस होता है यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पे लेके आ रहे हैं हम आपके लिए ओके सो डू सब्सक्राइब दिस दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं भैया राइट right? चलो बताओ यहाँ पे क्या करोगे अ टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हाफ हुआ है ऐसा मान के चल रहे कि भैया ओके शुरुआत में ए था तो अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ए बाई टू हो गया ओके okay, तो क्या बोल रहे कि भैया सेम इलौंगेशन, सेम इलाशन के लिए लोड कितना लगेगा इस कंडीशन में बताओ जल्दी से बताओ इलॉन्गेशन सेम रखना है That is, is equal to ही है। ओके okay, आपको पता है डेल्टा एल क्या लिखते हैं हम pl डिवाइडेड बाय ए pl डिवाइडेड ये एकेंड कंडीशन के लिए फर्स्ट कंडीशन के बाकी के सभी चीजें सेम रखनी है और रिलेशन निकालना है पी में और इफेक्ट क्या लेना है एरिया का मतलब ये एल हमको कंसीडर नहीं करना ई e हमको कंसीडर नहीं करना मतलब यहां पे पी वन डिवाइडेड बाय ए वन इज इक्वल टू पी टू डिडेड बाई ए टू मतलब पी टू क्या होगा पी टू क्या होगा पी वन ए टू बाय ए वन क्या बोल रहे भैया क्या बोल रहे यहां पे लोड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या कर दिया हाफ कर दिया दैट इज पी टू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए वन डिवाइडेड बाई वन मतलब बता ये क्या हो? Sorry, times. बताओ ये पी टू क्या सॉरी पी वन टाइम्स बताओ पी टू क्या हो मतलब लोड कितना हुआ लोड भी भैया क्या हुआ लोड भी भैया क्या हुआ पहले से आधा ही तो हुआ दैट इज पी टू यू आर गेटिंग एज हाफ ऑफ पी वन मतलब लोड भी क्या हुआ अगर आपने भैया लोड फोर टाइम्स हो रहा है अर्चित अर्चित चेक करो भैया चेक करो तो देखो आप बताओ मुझे आप बताओ डबल हो रहा है हाफ हो रहा है सेम रह रहा है या फिर फोर टाइम्स हो रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फोर टाइम्स हो रहा है आधा हो रहा है चेक करो परविंदर मोनालिसा निकिता अंकित वामशी दिनेश चार गुना हो रहा है भैया या आधा हो रहा है उससे वाई दिस कोलावे कम ऑन वेरी फास्ट एंसर दो भाई आंसर दो दैट इज पी बाई ए फॉर ए वन पी बायर वन लिखता हूँ सो भैया पी टू तो सिंपल बात है ना पी बाय टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टू और ए टू में आधा कर रहा हूँ मतलब आधे टाइम्स ए वन हो जाएगा पी वन इंटू हाफ टाइम्स ए वन डिवाइडेड बाई ए वन ए वन ए वन ने मार दिया भाई तो भैया आधा ही हो जाएगा आधा हो जाएगा P2 बराबर काट के आधा हो जाएगा P1 से बी बॉम्बे बी बॉम्बे बी बॉम्बे चार गुना नहीं नहीं चाले नहीं चाले वो के बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल ऑफ दी सी एंड द एचसीपी क्रिस्टल इज ओके यहां पे एक्चुअली actually... ये जीरो था ऑप्शन ऑप्शन डी जीरो चलो बताओ छ नहीं चलो बताओ एफ सी सेफ सी सी के एवरेज नंबर ऑफ एटम्स एच एट सी पी के एवरेज नंबर ऑफ एटम्स में डिफरेंस कितना है चलो बताओ कितना है एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन द एफसीसी चलो बताओ कितने हैं चार और नो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन द एचसीपी कितने है? छे चलो बताओ जल्दी से वेरी फास्ट अंकित जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ ये भैया आपके प्रैक्टिस के लिए सब यस सिक्स एंड फोर हाँ भैया एचसीपी में है आपके पता है आपको मतलब सिंपल चीजें है जल्दी से जल्दी से सिक्स और एफसीसी में फोर तो दोनों में डिफरेंस कितना है सिक्स माइनस फोर देखो टू कितना है भैया डिफरेंस टू बी बॉम्बे बी बॉम्बे बी बॉम्बे कितना डिफरेंस है टू टू यस दैट इज एब्सुटली करेक्ट यस 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 पॉलीमर भी आएंगे क्वेश्चन पॉलीमर के भी आएंगे क्वेश्चन यस निकिता वेरी गुड निकिता नितिका या निकिता ओ माय गॉड ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है नितिका ओके फैंटास्टिक सो छे माइनस फोर डेफिनेटली टू टू इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड वेरी गुड चलो भैया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड थोड़ा फास्ट करते जरा इसका बता दो यहां पे है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हाँ चलो बताओ द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज वर्ड्स इन द एंड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज वर्ड्स दे आर आस्किंग यू अबाउट द परसेंटेज वर्ड्स नॉट द पैकिंग ओके प्रेजेंट इन द फेस सेंटर क्यूबिक एंड सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर चलो बताओ कितना आएगा इसका आंसर वेरी फास्ट अरे भैया क्या कर रहे हो दो है लास्ट क्वेश्चन का जवाब इसका जवाब दे दो जल्दी से इसका जवाब दे दो जल्दी से क्या होगा एफ में एफ का पैकिंग फैक्टर है आपका सेवेंटी फोर मतलब सेवेंटी फोर परसेंट तो मतलब इसमें वाइड कितने हैं वाइड कितने हैं छब्बीस परसेंट के। ओके तो ये रहा एससी क्यूबिक में आपका कितना है भैया पैकिंग फैक्टर अराउंड तो इसमें वाइड कितनी हो गई फोर्टी एट परसेंट तो उन्होंने इसके लिए पूछा है भाई वाइड्स का डिफरेंस पूछा है परसेंटेज वाइट पूछा है तो कितना आएगा फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी सिक्स कितना आया फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी सिक्स बाईस बाईस आया बाईस सो so, ये जो डिफरेंस है कितना परसेंट का ये परसेंटेज वाइट्स के अंदर okay, ये बाईस ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू अरे हा भैया कितना आया ट्वेंटी सिक्स एंड फोर्टी एट वेरी गुड ट्वेंटी एंड फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी सिक्स इट इज गोइंग टू बी फोर्टी ट्वेंटी टू वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये बाईस कार है बाईस कार ओके वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट अपॉन द प्यूरिटी इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्यूरिटी के ऊपर आधारित नहीं है इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ऐसी प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक एक्चुअली डेंसिटी या फिर मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज कॉपिशंट ऑफ ऑफ थर्मल कोशन या फिर मैं बात करू अपने मेल्टिंग पॉइंट डक्टिलिटी हार्डनेस ओके ये सब जो प्रॉपर्टीज है दीज प्रॉपर्टीज आर डिपेंडिंग अपॉन द प्योरिटी ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्योरिटी ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट भैया अगर मैं बात करता हूं फ्रैक्चर स्ट्रेंथ फर्टिक स्ट्रेंथ इेंट सेटिविटी Uh, अपनी इलेक्ट्रिकल uh, कंडक्टिविटी uh, uh, या फिर मैं अगर बात करूँ अपने स्ट्रेन हार्डनिंग ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये प्यूरिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती ये डिपेंड करती है द इम इन द क्रिस्टल के ऊपर ओके दैट इज डिफेक्ट इन द क्रिस्टल के ऊपर राइट right? तो डेफिनेटली इसमें से एक ही प्रॉपर्टी ऐसी है कि आपको जो दिख रही है कि भैया जो इमप्यूरिटी के ऊपर डिपेंडेंट है और ये है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ फ्रैक्चर स्ट्रेंड फ्रटिक स्ट्रेंथ सेमी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट्रेंथ यह सब चीजें जो है आपके इम परफेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है तो भैया इसका आंसर क्या आएगा क्योंकि अगर मैं बात करूंगा ये डक्टिलिटी हार्डनेस मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी मेल्टिंग पॉइंट आप कोई पेशेंटो थर्मल एक्सपांशन ले लो ओके आ, ये सभी चीजें डिपेंडिंग अपॉन द प्योरिटी ये सब प्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट है सो so, ओनली एक ही इंडिपेंडेंट है ये है तुम्हारा फ्रैक्चर स्टे दैट इज डी डेल इज द करेक्ट आंसर डी डेल इज द करेक्ट आंसर डी डी डेल इज द करेक्ट आंसर ओके वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जा रहे हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कास्टाइन इन दी है भैया बताओ कास्टन हैज अ प्योर एबिलिटी टू डैम द वाइब्रेशन भैया अब तो ये आपको कहते ही बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई ऐसी बात हो जाए कास्टाइन के बारे में

Part, sir, suitable where permanent deformation is preferred. Aray, तो ये यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा ओके okay. कोई भी इसमें डिफॉर्मेशन आप नहीं कर सकते इट इज अ ब्रिटल मटेरियल ओके मतलब अगर बात करें तो भैया आंसर क्या होगा बताओगे आप आंसर क्या होगा बताओगे आप कि भैया ए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कास्ट के बारे में और ती, ती और नंबर 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 का जो है बिल्कुल गलत है। हाँ, ये जो दो का थर्ड ले जाता है कि, कि भैया हाँ कास्ट के से अच्छी है या स्टील से अच्छी है। स्टील से दैट इज एक्सेलेंट सेकेंड ऑप्शन इज और सेकेंड स्टेटमेंट ओनली वेरी करेक्ट रिलेटेड टू द कास्टाइन सो ऑप्शन डी ही क्या मान के चले हम ये सही जवाब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ओके सो डी डेली डी डेली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके कि कास्ट एन हैज हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू द स्टील्स वेरी गुड वेरी गुड हाँ तो देखो भाई थोड़ा बहुत तो ये पेपर वन में तो चलता ही है ओके जो बच्चे मैकेनिकल बैकग्राउंड से आएंगे थोड़ा बहुत प्रोडक्शन मैकेनिकल डेफिनेटली उनको ये चीजें जल्दी कैच की जाएंगी उनके उनकी तरफ से डेफिनेटली और ऐसी बात नहीं देखो ये बेसिक्स है इसमें कोई मतलब बहुत ही डेप में जाके कोई चीज़ नहीं है अगर हम क्रिस्टोलोग्राफी अगर पहला चैप्टर ही पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी बेसिक ही चीज़ें है कि जो हमने इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ी होगी है ना तो इसमें कोई मैकेनिकल का बंदा ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा सिविल का नहीं करेगा इलेक्ट्रिकल करेगा। ऐसा ऐसी बात तो मैं मान के नहीं चलता इसके लिए हाँ थोड़ा बहुत अगर मैं जाता हूँ हीट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के अंदर ओके थोड़ा ऐसे जो कि बहुत ही रिलेटेड टू द मैकेनिकल होता है तो उसमें भी कोई आपसे हार्ड एंड फास्ट एक्सपेक्टेशन नहीं कि भाई आप इतने इतने डेप्थ के क्वेश्चन के जवाब दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई ओके थोड़ा बहुत आपने बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ा है सो आप आप आंसर कर सकते हो रेस्पेक्टिव ऑफ तो ये जो कुछ दिमाग में बैठा है ना ये चीज ये निकाल दो अब जो जैसे भी अभी बात की क्रिस्टल के डिफेक्ट या फिर प्योरिटी और इमप्यूरिटी इसमें कोई मतलब बड़ी बात है ही नहीं ओके आपको पता है डिफेक्ट कौन से डिफेक्ट तो हमने पढ़े है पॉइंट डिफेक्ट है लाइन डिफेक्ट है आपके फिर आपके बाउंड्री डिफेक्ट है बा, मतलब वॉल्यूम डिफेक्ट है ओके सरफेस डिफेक्ट है ये तो हमने पढ़े सब राइट पॉलीमर का क्वेश्चन आए कोई तो पॉलीमर के बारे में पूछ रहा था कि पॉलीमर में हम कुछ एडिशन करते हैं बाइंडिंग करते हैं ओके राइट प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं स्टेबिलाईर ऐड करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन है कि ये स्टेबिलाईजर के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट वन जो है वो कह रहा था कि स्टेबिलाईजर आर एडेड टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द हीट सनलाइट ओजोन यस पॉलीमर के बारे में और बैरियम कैडमियम कैडमियम एक्चुअली लॉरेड एंड व्हाइट लीड्स आर दस इन पॉलीमर्स टू एक्चुअली गेट दिस पॉलीमर्स सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट ओजोन और हार्मफुल इफेक्ट्स राइट सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों के दोनों राइट right? की जो बाइंडिंग मटेरियल्स हम बोलते हैं पॉलीमर्स में जो भी एड करते हैं सो स्टेबिलाईजर का फंक्शन है राइट right? टू मिनिमाइज द हार्मुल इफेक्ट ऑफ द हीट सैट ओजोन और कौन से स्टेबिलाई तो तो करते है okay, दोनों के दोनों सही है सो so, यहाँ पे ऑप्शन ओनली सी लग रहा है कि जो दोनों को लेके चल रहा है भैया ओके ऑप्शन ऑप्शन सी दोनों के दोनों सही है दोनों के दोनों सही है भाई राइट right, आ गया भैया वेरी गुड वेरी गुड बोथ आर करेक्ट ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट डिपेंड्स अपॉन ओके प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, इंटरफेस स्ट्रेंथ इंटरफेस मतलब किसका आपके जो भी रेनफोर्समेंट है और आपकी Uh, आपका जो बेस मटेरियल है ओके okay, राइट right, उसका इंटरफेस इंटरफेस स्ट्रेंथ फाइबर लेंथ जो भी फाइबर ऐड कर रहे हो उसकी लेंथ उसका ओरिएंटेशन उसका वॉल्यूम फ्रैक्शन इन यूर मैट्रिक्स ओके okay. चलो भैया सो क्या होगा इसका सही जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही ये सभी चीजें बिल्कुल मायने रखती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइबर एंड द कंपोजिट यस इसके लिए डेफिनेटली ए भी सही है बी भी सही है सी भी सही है मतलब अंत में सभी सही है डी डेली ऑल आर द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट ऑल ऑफ दी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ईएससी पेपर वन विल गेट नियरली एट टू टेन डेफिनेटली नॉट मार्क्स मार्क्स के बारे में नहीं बात करते हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं इतने तो क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं पूरे मटेरियल साइंस के ऊपर ये मान के चलना वामशी ये वाम के चलना मान के चलना इतने नहीं लेकिन मैं छह से आठ मान के चलो ये रेंज बिल्कुल सही है और आके रही इतनी राइट right? चलो नेक्स्ट फॉर द मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट द मैट्रिक्स इज अ चलो भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली डक्टाइल मटेरियल होता है कोई सिरामिक होता है कोई पॉलीमर होता है या फिर इसमें से कोई भी नहीं होता चलो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट में जो मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली क्या होता है okay, ओके और जिसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज को एनहांस करना चाहते हैं बाय हैविंग यूर रेनफोर्समेंट ओके राइट चलो तो क्या होगा इसका सही जवाब क्या आएगा येस इट इज अ डकटाइल मटेरियल बेसिकली इट इज ए द मैट्रिक्स मैट्रिक्स कम्पोज इ मैट्रिक्स जो होता है बेसिकलीट इजाइल मटेरियल राइट इट इज ए डेरियल इट इज अटाइल मटेरियल राइट सो एज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रे कास्टाइन के बारे में क्वेश्चन है भैया बताओ ग्रे कास्टाइन के बारे में क्वेश्चन है यस ग्रे कास्टाइन मटेरियल क्या है ग्रे कास्टाइन इट इज अ ग्रेन कलर ओके रेन फोर्समेंट तो हमारे पास बहुत सारी है ओके आयरन वेयर ऑल कार्बन इज इन कंबाइंड फॉर्म आयरन वेयर पार्ट ऑफ द कार्बन इज इन अ ग्राफाइट फॉर्म ग्राफाइट प्रेजेंट इन द स्पेरिकल फॉर्म सो बेसिकली यहाँ पे ग्रे कास्ट आयन आपको पता है बहुत सारे लोगों ने यहां पर जवाब दे भी दिया ओके okay. जो कार्बन प्रेजेंट इन द आयरन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफाइट फ्लेक्स ग्राफाइट ओके राइट परविंदर कार्बन तो कंबाइन होता ही है ना लेकिन कौन से इसमें सी में कार्बाइड व्हाइट में कार्बाइड के फॉर्म में आता है भाई ट इज कन्वर्ट इन टू कार्बाइड सो इट इज अ ग्राफाइट फॉर्म दैट इज अ वेरी वेरी क्लियर सी सी आयरन वेयर पार्ट इज कार्बाइड होते है उसमें परविंदर राइट प्लीज प्लीज रीड इट वगेन सो ये है बेसिकली ग्राफाइट के फॉर्म में होता है ग्राफाइड के वहां पर कार्बाइड में आता है राइट सो यहां पर आपका सी सी चेन्नई कार्बन इन द्राफा वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेनलेस स्टील चलो भाई स्टेनलेस स्टील का आपको पता है एक यहां पर लेयर बनती है ओके okay? की जो फर्दर जो ऑक्सीडेशन है मटेरियल का नहीं होने देती स्टेनलेस स्टील के ऊपर ओके okay, और सेम एज द कलर ऑफ द स्टील ये कलर होता है लेयर का कि जो फर्दर कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होने देती और इसकी वजह से क्रोजन लेस या फिर स्टेनलेस स्टील हमको मिलता है डेफिनेटली किसकी वजह से बेसिकली चलो बताओ जल्दी से वेरी गुड वेरी गुड आंसर आ रहे भैया आंसर आ रहे वहां पे आंसर आर कमिंग वेरी गुड वेरी गुड क्या है यहाँ पे यस क्रोमियम क्रोमियम ये बेसिक है भैया ये क्रोमियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रियक्ट क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर जो बनती है ओके okay, जिसका कलर ऑलमोस्ट स्टील के जैसा ही होता है और फर्दर जो है corrosion या फिर ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन नहीं होने देती स्टेनलेस स्टील के अंदर याद रखना क्रोमियम इज द बेसिक इलेमेंट कॉन्स्टिटेंट इलेमेंट प्रेजेंट इन द स्टेनलेस स्टील विच इज द क्रोमियम सी चेन्नई सी चेन्नई इज द करेक्ट आंसर चलो ये ये मैंने देखो ये question के related थोड़ा हमने हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिया था। शुरुआत में में कर कर लिया लिया था. था कि भाई, इन इंडस्ट्री। Because, अब इसका जवाब आप सभी लोग दोगे मुझे फटाफट 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 क्या इसकी हाई स्ट्रेंथ है क्या इसका हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है क्या ये गुड कॉजन रेजिस्टेंस मटेरियल है क्या इसकी वेल्डेबिलिटी अच्छी है गुडमन गुडमन डायग्राम हम्म चलो चलो बताओ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर गया था इस के बारे में गुडमन कि भैया अल्यूमिनियम के जो एलॉयज है बेसिक चीज है एयरक्राफ्ट यूज करने के लिए है कि कम वेट में ज्यादा से ज्यादा अगर स्ट्रेंथ हमको मिलती है तो डेफिनेटली इससे और अच्छी चीज क्या हो सकती है भैया हाँ या ना राइट सो हाई स्ट्रेंथ टू वेट इसका है ओके स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी कम वेट में भैया इसका मीनिंग ये है देखता है, आपने तो देखा डेंसिटी बहुत कम है लाइट मटेरियल है टू पॉइंट सेवन ग्राम्स पर सीसी जिसकी डेंसिटी है लाइट एल्यूमिनियम ओके फिर भी लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या है अच्छी है ओके सो एयरक्राफ्ट में तो ये सोने पे सुहागा चीज है ये सर नो? So, B, बी बॉम्बे बी बॉम्बे बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब ओके चलो लीड कहां पे होता है जल्दी से बताओ लीड ये नॉन फेरस मटेरियल के ऊपर से क्वेश्चन है नॉन फेरस मटेरियल सो आज देखो क्रिस्टलोग्राफी क्लियर कर, कर दी मैंने मतलब इन्वॉल्व किए थे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के आपके सिरामिक्स के आपके कंपोजिट्स के क्वेश्चन पॉलीमर के क्वेश्चन ओके नॉन फेरस मटेरियल के क्वेश्चन ओके सो कुल मिला के ऐसा कॉम्बिनेशन ये मटेरियल साइंस को लेके आया था ओके सो लीड कहाँ पे यूज होता है बताओ जल्दी से लीड लीड पे यूज होता है ज्यादा यस यस बहुत बढ़ियाजा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राइट बैटरीज में बैटरीज में राइट बैटरीज में वेरी गुड डी डेली डी डेली डी डेली बैटरीज लीड इज वाइडली यूज इन वाइडली यूज इन बैटरीज डी डेली ओके वेरी गुड फैंटास्टिक फैंटास्टिक ओके चलो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ये आपका है लास्ट का क्वेश्चन ये है आपको होमवर्क का क्वेश्चन है भैया टेलीग्राम चैनल में आपको देखना पड़ेगा ओके okay, ये है सिरामिक के ऊपर स्टेबल सिरामिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैटाइन इज सराउंडेड बाय द थ्री एनायंस इन फॉर्म ऑफ प्लेनर इक्यूलेट्रिक ट्रायंगल ओके okay. ये आपको जस्ट सीन दे रहा हूं द रेशियो ऑफ द कैटेट एंड एन एन रेडियस फॉर द क्रिस्टल नियरली हाउ मच राइट सो ये आपको है होमवर्क अगर आपने टेलीग्राम चैनल आप में है तो मैं डेफिनेटली इसका आंसर आपको मैं शेयर करूंगा बट आपको सॉल्व करना है ओके okay. ये रहा एंगल सिक्सटी डिग्री तो ये थर्टी डिग्री ओके okay, ये आप कर सकते हो द रेशियो ऑफ द कैटन एंड एनएन रेडियस ओके यहाँ के बीच में यहाँ पे r9 है राइट ओके सो चलो भैया सो so, आज मैक्सिमम हमने टॉपिक लिए थे ईएसई पहले कोई सेशन लिया था क्या आपने सी मटेरियल साइंस फॉर दिस पर्टिकुलर ई एस सी रिविजन प्रिंट में मटेरियल साइंस का पहला सेशन ही हमने लिया है ओके okay, और एक ही सेशन हमने रखा था मटेरियल साइंस के लिए डेफिनेटली राइट right, कि जो बेसिकली 26 जनवरी से पोस्टपोन होता चला आ रहा था राइट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज सो ये मटेरियल साइंस का डेफिनेटली दैट इज मोर देन इनफ आई होप ये uh, सभी के लिए ऐसा कोई जरूरी बात नहीं कि भैया मैकेनिकली अच्छे से परफॉर्म कर पाई इसमें बेसिक देखो मटेरियल साइंस बेसिक इलेवन 12 में हमने जो भी चीजें किए ऑलमोस्ट थोड़ा सा थोड़ा बहुत एक्सटेंशन जो है जो कि हीट ट्रीटमेंट या फिर नॉन फेरस मटेरियल जैसे या फिर देखो सीरामिक्स पॉलीमर्स कंपोजिट्स ये तो कॉमन है जो जनरली हमने कर चुके हैं ये चीजें तो इतने ज्यादा डेप्थ का या फिर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसे कुछ हो होने वाला नहीं है इन जनरल नॉलेज ओके जो आपने गेन किया है अब तक दैट इज मोर मोर देन इनफ सो हाँ देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे सिविल वालों को में उन्होंने पढ़ा है मैकेनिकल तो पढ़ाई है right? land, उसका टेस्टिंग भी अगर कोई पूछ ले तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी सिविल वालों को भी जैसे कि मैं हार्डनेस की बात करू मेजरमेंट्स uh, कैसे करते हैं टफनेस मेजरमेंट्स क्या क्या है मेथड्स ओके okay, आपको यूटीएम तो पता ही हमको सो so, पीडीएफ जो है मैं इसमें डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में याद रखना टेलीग्राम चैनल ओके टेलीग्राम चैनल अपना यहां पे है, ओके देखो यहां पे ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है यहां पे देख लेना टी डॉट एम ऑब्लिक ओंकार अंडर स्कोर ओटारी राइट यहां पे, पे डाल दूंगा सो so, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप यहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और लास्ट का सोल्यूशन भी यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन का मिल जाएगी वो होमवर्क दिया आपको ओके सो थैंक यू सो मच डर स्टूडेंट्स लाइक द सेशन और भैया ये शेयर कर देना बच्चों के साथ फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब अवर चैनल जो, जो कि मैंने सब्सक्राइब करने के बहुत सारे एडवांटेजेस uh, आपको ऑलरेडी मैंने बताए ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ओके एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर योर एग्जामिनेशन गेट एंड ए ओके और इसके बाद नेगी सर आएंगे ओके okay, सो so उनका एक जेनरिक सेशन है और कल मैं साढ़े ग्यारह बजे फिर यहाँ पे लाइव आऊंगा डियर स्टूडेंट्स ग्यारह बज के तीस मिनट पे जहाँ पे और एक जेनरिक सेशन यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ राइट right? सो गेट दो हजार बाईस के एक्सपेर के लिए डूज एंड डोंट्स ओके इन द लास्ट फाइव डेज सो ये चीज कल कल साढ़े ग्यारह बजे इलेवन थर्टी पीएम टुमोरो ओके दैट इज ऑन ट्यूजडे राइट सो थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर गुड नाइट जय हिंद